हाय साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट। यहां हम आपको बताते चले कि हैदर चीनी कम मकबूल जैसी ना जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का डंका बजाने वाली एक्ट्रेस तब्बू को अब इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो गए हैं। 3 दशकों का ये सफर कब बीत गया पता ही नहीं चला, मगर उनके इतने लंबे सफर पर नजर डाले तो वो कभी सुनहरा और सफलताओं से भरा नजर आता है। 30 साल पहले तब्बू की तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 रिलीज हुई थी, जिसमें उनके अपोजिट वेंकटेश दग्गुबाती नजर आए थे। इस तेलुगु फिल्म की रिलीज के 3 साल बाद तब्बू ने बॉलीवुड में कदम रखा था। साल 1991 में तेलुगु फिल्म करने के 3 साल बाद 1994 में तब्बू ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विजय पथ, जिसमें उनके हीरो थे अजय देवगन। पहली बॉलीवुड मूवी के लिए ही तब्बू को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था। पहली ही फिल्म में तब्बू और अजय देवगन की इस जोड़ी का जादू इस कदर छाया कि लोग इन्हें साथ देखना पसंद करने लगे। विजय पथ के बाद दोनों 1995 में हकीकत में फिर साथ दिखे। इसके बाद 1999 में तक्षक, दृश्यम, गोलमाल अगेन और दे दे प्यार दे में वो नजर आ चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि तब्बू और अजय देवगन एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, वो भी इंडस्ट्री में आने से पहले। दरअसल दोनों एक ही कॉलेज से पढ़ा करते थे और कॉलेज के दौरान किसी भी लड़के को अजय तब्बू के नज़दीक नहीं भटकने देते थे। इस बात का खुलासा द कपिल शर्मा शो में खुद तब्बू ने किया था। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।